नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हमारा टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन सिस्टम ये स्टार्ट है, ये टॉपिक है टीचिंग का, जिसमें ये देख लेते हैं कि इवोल्यूशन होता क्या है, मूल्यांकन होता क्या है। सबसे पहले ये देखते हैं, उसके बाद टाइप्स उसके देख लेते हैं। मूल्यांकन, इससे क्या होता है, ये एक विद्यार्थी के व्यवहार और सोच में परिवर्तन लाने के लिए एक वैलिड प्रमाण माना जाता है, माना जाना चाहिए। इसलिए एक अच्छी मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन मेथड वह है जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता करे। तो ये हमारा वो इवोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, दूसरा आ जाएगा अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, तीसरा है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंसेस या इंटरप्रिटेशंस। तो यहाँ पर पहले फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो टाइप्स है वो कितने हैं, इवोल्यूशन के कितने टाइप्स हैं। तो चार इसमें दिए हुए हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिव, समेटिव। फॉर्मेटिव को हम निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। प्लेसमेंट को स्थान मूल्यांकन या स्थानन मूल्यांकन कहते हैं। डायग्नोस्टिक को हम नैदानिक मूल्यांकन कहते हैं और समेटिव को हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं होता क्या है प्लेसमेंट। अब आती है अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस, उसमें वही आ जाएगा फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फिर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रेफरेंसेस इंटरप्रिटेशंस, इसमें नॉन रेफरेंसेस आते हैं और क्राइटेरियन रेफरेंसेस आते हैं। ये भी आगे देख लेंगे कि इसमें होता क्या है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फंक्शन की बात कर लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला हमारा प्लेसमेंट है, स्थानन मूल्यांकन, इसमें क्या है स्थानन यानी प्लेसमेंट। इसमें लर्नर की पोजीशन की बात करते हैं, इसमें इसकी पोजीशन क्या है यानी लर्नर या स्टूडेंट की पोजीशन क्या है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना उसने सीख रखा है, इसमें सही पर्सन को सही प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी जो टीचर है वो ये देखना चाह रहा है कि बच्चा कितना सीखा है, उसने कहाँ तक सीख रखा है, किस पोजीशन पे है वो, और तब उसे राइट प्लेस प्रोवाइड कराया जाता है। उस पर्सन को, राइट पर्सन को राइट प्लेस प्रोवाइड कराना, उस पर्सन की लर्निंग के अकॉर्डिंग जज करेंगे और उसको उसकी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, ये देखेंगे प्लेसमेंट में कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसने कितना सीखा है, उसके लिए उसे जज करेंगे। फिर उसको पोजीशन, जब ये लगेगा कि हाँ ये राइट पर्सन है, तब उसे राइट पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। जब लर्निंग स्टार्ट होती है उस टाइम पर जो पर्सन है उसका क्या परफॉर्मेंस है, उसको हम इवोल्यूट करते हैं कि उसने कितना सीखा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है लर्निंग में, वो चेक करते हैं। इसमें देखेंगे कि किस पोजीशन पर उसने लर्निंग की है, स्टूडेंट ने किस पोजीशन पर उसने लर्निंग की है। बेसिकली इसमें लर्नर की फ्यूचर बिहेवियर को जज करते हैं। फ्यूचर यानी उसने अभी तक कितना सीखा है, आगे कितना सीख सकता है, उसे देखते हैं। फिर उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करते हैं, यानी बेसिकली इसमें लर्नर की फ्यूचर बिहेवियर को जज करते हैं। वो हमारा आ जाता है प्लेसमेंट इवोल्यूशन। अब बात आती है दूसरे की, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। ये क्या होता है, टीचिंग के टाइम लर्नर की कितनी प्रोग्रेस हो रही है, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि लर्नर कहाँ स्टैंड कर रहा है, उसने कितना सीखा है, उसके अकॉर्डिंग उसे जज करते हैं और प्लेस पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं। बट फॉर्मेटिव इवोल्यूशन में क्या होता है, टीचिंग के टाइम लर्नर की कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसको जज करते हैं, उसे फॉर्मेटिव यानी तुरंत का एट द टाइम वो देखते हैं फॉर्मेटिव में कि अभी कितना हो रहा है, तो वो चीज़ देखते हैं। टीचिंग के टाइम यानी टीचिंग कर रहे हैं उसी के दौरान लर्नर की कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसको जज करते हैं, इवोल्यूट करते हैं, उसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। इसका मेन
ऑब्जेक्टिव है, उसका मेन उद्देश्य है कि जो लर्नर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इससे टीचर और लर्नर दोनों को अपनी परफॉर्मेंस का पता चल रहा है कि टीचर ने कितना परफॉर्मेंस उसका कितना रहा है और बच्चे का कितना रहा है, यानी कितना उसने पढ़ाया है और बच्चे ने कितना सीखा है। वो तुरंत का अभी का फॉर्मेटिव यानी क्लास में बात हो रही है कि हाँ उसने कितना सीखा है, वहाँ की बात हो रही है क्लास की, तो वो हो जाती है फॉर्मेटिव यानी तुरंत का, जो भी रहेगा वो तुरंत का रहेगा, तो वो फॉर्मेटिव इवोल्यूशन होता है। जब टीचिंग के दौरान उसी टाइम वो हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हो जाता है। जब लर्नर को पता चल जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वे दोबारा से लर्न कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट जिसे बोलते हैं, जहाँ पर एरर है उसे रिकरेक्ट कर दोबारा लर्निंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर इवोल्यूट करने का फ़ायदा ये रहता है कि हाँ बच्चा, अगर बच्चे ने गलती की है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर एरर है, यहाँ पर ठीक से लर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसे सही करके वो दोबारा से लर्न कर सकता है। और वही टीचर की बात होती है कि उसे लगता है कि हाँ बच्चा अच्छे से स्टैंड नहीं कर पा रहा है, लर्निंग नहीं कर सक पा रहा है, तो वो अपनी टीचिंग को चेंज कर देगी, इवोल्यूट कर देगा। तो वो चीज़ आ जाती है उसे इवोल्यूट करके यानी मूल्यांकन करेगा कि हाँ यहाँ पर एरर है, फिर अपनी टीचिंग को चेंज करेगा। और जब यहाँ पर जैसे ये है, और जब यहाँ टीचर को लगता है कि स्टूडेंट वीक है और वे फेल हो रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता है। बेसिकली पीपल की प्रोग्रेस को जज करते हैं कि हो रही है या नहीं, ये मेन है कि यहाँ पर तुरंत का देखते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। टीचर टीचिंग के दौरान कैसा टीच कर रहा है उसको जज करते हैं, इसे फॉर्मेटिव इवोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल में जैसे मंथली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, मंथली टेस्ट हो रहा है तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक क्या सीखा, तो वो तुरंत का इवोल्यूट कर रहा है ना, तो उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है उसको जज करते हैं, हो रही है या नहीं हो रही है टेस्ट से। फिर क्लास टेस्ट करते हैं, क्लास में टेस्ट करते हैं तब भी पता चल जाता है। पीरियोडिकल असेसमेंट होता है तब भी पता चलता है। टीचर्स ऑब्जर्वेशन होता है यानी टीचर ऑब्जर्व करता है तब भी पता चल जाता है, तो वो हमारा फॉर्मेटिव इवोल्यूशन हो जाता है। अब बात आती है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की, कि ये क्या होता है, नैदानिक क्या होता है मूल्यांकन। इसमें लर्नर की डिफ़िकल्टीज और वीकनेस क्या है उसको आइडेंटिफाई करते हैं इंस्ट्रक्शन के टाइम पर। यानी यहाँ पर क्या बात आती है कि जो लर्नर है, स्टूडेंट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, वीकनेस क्या है, क्यों लर्न नहीं कर पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको पहले पहचानते हैं इंस्ट्रक्शन के टाइम पर, और उस वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। यानी उसकी जो प्रॉब्लम है उसको तो आइडेंटिफाई करते हैं, डिफ़िकल्टीज वीकनेस क्या है आइडेंटिफाई करते हैं, बट उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉब्लम है, वीकनेस है, डिफ़िकल्टीज़ है लर्निंग में, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसे भी आइडेंटिफाई करते हैं, मीज़र करते हैं कि कैसे दूर किया जा सकता है। हर मेथड या टेक्निक का यूज़ पढ़ाने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कि जिस मेथड का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे टेक्निक का है, जो टीचिंग के दौरान जिस मेथड या जिस तरह से हम पढ़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं, एक टीचर लर्नर को जिस तरह से टीच करवा पा रहा है, वो जिस भी मेथड से यूज़ कर रहा है, टेक्निक से यूज़ कर रहा हो, तो उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे किस तरह से ये यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन है, यस यहाँ पर क्या है कि उस कंडीशन जैसी कंडीशन है वहाँ पे, यानी उसने जिस टेक्निक का यूज़ किया है पढ़ाने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, उस सिचुएशन में डिटेल डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, अच्छे से नैदानिक उसे अच्छे से डिटेल में डायग्नोसिस करते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम की कि आखिर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर एरर आ रहा है, तो वो चीज़ चेक करते हैं, फिर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वो डिटेल में डायग्नोस्टिक होता है, वो हमारा आ जाएगा डिटेल डायग्नोस्टिक टेस्ट। कोई स्टूडेंट
जिसे लर्निंग डिफ़िकल्टी है, ठीक है, लर्निंग में प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में किसी साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के इवोल्यूशन को डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्या होता है, बच्चे का जैसे प्रॉब्लम आ रही है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और वो लर्निंग नहीं कर पा रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में साइकोलॉजिस्ट या मेडिकल स्पेशलिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इवोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो वो हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हो जाता है। अब बात आती है हमारे लास्ट, समेटिव इवोल्यूशन। कि समेटिव इवोल्यूशन क्या होता है, समेटिव इवोल्यूशन इसमें समरी बनाते हैं, और ये जो है ट्रेडिशन होता है, पुराना है, पुराना सिस्टम है समेटिव इवोल्यूशन, और जो फॉर्मेटिव था वो हमारा नया सिस्टम था, न्यू था। तो यहाँ बात आती है समेटिव की, इसमें अपने इसमें आपके कोर्स के ख़त्म होने के बाद समेटिव इवोल्यूशन होता है, यानी कोर्स ख़त्म हो गया उसके बाद इवोल्यूट किया जाता है, तो उसे बोलते हैं समेटिव इवोल्यूशन। इसमें देखते हैं कि लर्नर के पहले के ऑब्जेक्टिव वो अचीव हुए हैं या नहीं। जैसे एनुअल एग्ज़ाम होता है, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है, ये देखते हैं कि हाँ उसने अभी तक कितना सीखा, यानी अभी तक उसने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, वो लास्ट में पता चलता है कि हाँ इसमें इसकी इतनी प्रोग्रेस हुई है या इतना अचीव कर पाया है या नहीं। इसमें देखते हैं कि जो सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ाया है उसमें स्टूडेंट की लर्निंग हुई है या नहीं हुई है, ये देखते हैं, ये जज करते हैं। कोर्स के ख़त्म होने के बाद, यानी यहाँ पर मेनली समेटिव में बात क्या आती है कि अंत में सब कुछ हो जाने के अंत, यानी कोर्स के ख़त्म होने के बाद। फॉर्मेटिव में क्या था, तुरंत का, इस तरह से यहाँ पर जो ये समेटिव है वो लास्ट का देखते हैं, कोर्स के ख़त्म होने के बाद उसकी अचीवमेंट को जज करते हैं। इसमें ग्रेड होते हैं, ग्रेड देते हैं, इसमें लास्ट के फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, वो समेटिव इवोल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें हम ग्रेड को असाइन करते हैं। समेटिव इवोल्यूशन यानी यहाँ पर ग्रेड दे देते हैं, क्या इसका ए है, इतने नंबर आए, इतने मार्क्स आए हैं, तो इनको अलग अलग ग्रेड प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ पर उनकी उनको इवोल्यूट करते हैं कि कितना अचीव कर पाया है स्टूडेंट या लर्नर, उसने अभी तक कितना अचीव किया है। समेटिव इवोल्यूशन हो सकता है आगे चलकर नेगेटिव इम्पैक्ट बनाए, क्योंकि यहाँ पर हम स्टूडेंट को आपस में जज करते हैं और क्राइटेरिया सेट करते हैं, और यही क्राइटेरिया स्टूडेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। कैसी, लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम हुआ, अब बच्चे को अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया या उन्हें ग्रेड प्रोवाइड किया कि हाँ ये इस स्टूडेंट को ये ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ये सी है, तो उनको आपस में जज करते हैं। इससे क्या होगा, स्टूडेंट के आपस में एक दूसरे के प्रति निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, निगेटिविटी आएगी। तो ये चीज़ हमारे, और ये क्यों आएगी, क्राइटेरिया की वजह से। तो ये हमारी समेटिव इवोल्यूशन हो जाएगा। अब बात आती है, दो और हैं, क्राइटेरियन रिफरेंस इवोल्यूशन और नॉर्म्स रिफरेंस इवोल्यूशन। तो क्राइटेरियन रिफरेंस इवोल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें स्टूडेंट और क्या कर सकता है या बिहेवियर क्या शो कर रहा है, इसमें ये है, इसमें स्टूडेंट और क्या कर सकता है, कितने अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है, बिहेवियर क्या शो कर सकता है, उसे जज करते हैं। जब क्राइटेरिया लगा देते हैं और उस पर लर्नर का बिहेवियर चेक करते हैं तो उसे क्राइटेरियन रिफरेंस इवोल्यूशन कहते हैं। बच्चे को ग्रेड प्रोवाइड करा दिया गया, अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया गया, अब उसे जज करेंगे, उसको इवेल्यूट करेंगे कि उसके बिहेवियर पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसके उस लर्नर का बिहेवियर चेक करते हैं। मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट की लीडरशिप देखनी है कि हाँ लीडरशिप की जो वो चीज़ किस में है, किस स्टूडेंट में है, ये देखनी है, तो स्टूडेंट पर क्राइटेरिया सेट करेंगे। जैसे किसी को क्राइटेरिया सेट कर दिया है, ग्रेड दे दिया है,
कि ये इस क्राइटेरिया के हैं, ये इस क्राइटेरिया के हैं, और सिचुएशन स्टूडेंट और ये देखेंगे सिचुएशन लाते हैं या उसके सामने एक प्रॉब्लम लाते हैं कोई, तो उस टाइम स्टूडेंट कैसा बिहेव करेगा। जैसे क्राइटेरिया सेट कर दिया गया स्टूडेंट क्लास में और उसमें एक प्रॉब्लम भी वहाँ पर सिचुएट कंडीशन वहाँ पर ऐसी आ गई कि जिससे बच्चे को स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। अब ये देखेंगे कि हाँ उससे कौन निकल पा रहा है, उस प्रॉब्लम को कौन अच्छे से निकल पा रहा है उस प्रॉब्लम से। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो उसे तो उस टाइम स्टूडेंट कैसा बिहेव करेगा और यहाँ पर उसके बिहेवियर को इवेल्यूएट कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट की लीडरशिप देखनी है। तो स्टूडेंट पर क्राइटेरिया सेट करेंगे और सिचुएशन आती है कोई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम स्टूडेंट कैसा बिहेव करेगा और यहाँ पर उसके बिहेवियर को इवेल्यूएट करेंगे, वो हमारा क्राइटेरियन डिफरेंस इवोल्यूशन हो जाएगा। और मेनली ये होता है कि ये इंडिविजुअल इवोल्यूशन होता है, इंडिविजुअल इवोल्यूशन पर फोकस करते हैं, यानी सब पर अलग अलग इवोल्यूट करते हैं। अब देखते हैं नॉर्म्स रेफरेंस इवोल्यूशन, ये क्या होता है। ये ट्रेडिशनल क्लास बेस्ड असाइनमेंट होता है, एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं, यानी जो नॉर्म्स रेफरेंस इवोल्यूशन है ये पुराना है, ठीक है। फिर यहाँ पर पर्टिकुलर रूल होते हैं, यानी एक नियम होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो रिलेट करता है नॉर्म्स ग्रुप और टिपिकली परफॉर्मेंस उस बेस पर इवेल्यूएट करते हैं स्टूडेंट को, यानी यहाँ ग्रुप की बात होती है, यहाँ पर इवेल्यूएट करेंगे पूरे ग्रुप को, इंडिविजुअली किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को या किसी लर्नर को इवेल्यूएट नहीं करेंगे, तो यहाँ ग्रुप की बात होती है। इसमें रूल के ऊपर इवोल्यूशन कर रहे हैं, तो ये नॉर्म्स रेफरेंस इवोल्यूशन है। इसमें पर्टिकुलर ग्रुप बनाकर स्टूडेंट को इवेल्यूट कर सकते हैं या दो क्लासेस को कंपेयर कर सकते कर उनका इवेल्यूट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ग्रुप में इवेल्यूट कर सकते हैं, रूल पर फोकस किया जाता है मेनली, तो यहाँ पर किसी नॉर्म्स या रूल के बेस पर स्टूडेंट को इवोल्यूट कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप इवोल्यूशन को ग्रुप इवोल्यूशन पर फोकस किया जाता है। जैसे क्राइटेरियन पर क्या था, यहाँ पर इंडिविजुअल पर फोकस किया गया था, बट यहाँ पर हमारा नॉर्म्स पर नॉर्म्स रेफरेंसेस इवोल्यूशन पर ग्रुप इवोल्यूशन फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्म्स रेफरेंस इवोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।